सब्सक्राइब कीजिए देसी इंडिया को और दबाइए बेल आइकन को मेरा वीडियो पहले देखने के लिए। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसको दबाइए। और दोस्तों, देसी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ऑयल लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आया था कि सर, आपने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं मेरे चेहरे के ऊपर, मेरे कमर दर्द के ऊपर, हाथ पैरों में दर्द के ऊपर, पेट में दर्द के ऊपर, और उसके साथ साथ पेट साफ ना होने की वजह से बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन मैंने बहुत दिनों से नहीं बनाया है बालों के ऊपर, क्योंकि लोगों के बाल भी बहुत झड़ते हैं। लगभग 70% लोगों के बाल झड़ते ही हैं। सुबह जब आप नहाते हैं उस टाइम पर झड़ते हैं, या मान लीजिए जब आप रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, तकिए पे बाल ही बाल होते हैं। बहुत सारी समस्याएँ हैं, और ख़ास करके लेडीज़ लोगों के लिए, मतलब दोनों लोगों की समस्याएँ हैं। बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े और बूढ़े लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो आज मैं जो ये ऑयल लेकर आया हूँ, ये आप लोगों के लिए क्यों फ़ायदेमंद है, पहले तो आप ये सुन लीजिए, क्योंकि इसमें सारी ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो कि आपके बालों को मजबूत रखेंगी, काला रखेंगी, मोटा रखेंगी, और उसके साथ साथ आपकी जड़ें हमेशा मजबूत रहेंगी, और बाल जो नहीं उगे हैं, मतलब जो जगह आपकी खाली है सर में, जहाँ पर बाल नहीं है, वहाँ पर भी आने लगेंगे। तो बस आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है ताकि आपको इससे फ़ायदा हो और आपके बाल जो है बहुत अच्छे हो जाएं, आपके बाल स्ट्रांग हो जाएं। और उसके साथ साथ मैं आपको ऐसी टिप भी देने वाला हूं जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और हाँ, आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करिए, उनको भी बताइए कि देसी इंडिया आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे सामने रखा हुआ है ट्रू लॉन्ग हेयर ऑयल। ये जो ट्रू लॉन्ग हेयर ऑयल है, ये बहुत अच्छी कंपनी का है, यूनिक फार्मा का है, और जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे लगभग इसकी वैल्यू 390 रुपये के आसपास है। इसकी मैं लिंक जो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा ऑयल है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो क्या है कि देखिए, पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसमें ऐसा क्या क्या मिला हुआ है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एलोवेरा है, सिकाकाई है, आंवला है, तुलसी है, नीम है, भृंगराज है, जटामासी है, रीठा है, सौंठ है, ब्रह्मी है, मेथी है, शंखपुष्पी है, कोकोनट है, तिल है, आलमंड है, अजवाइन है, पिपरमेंट है, मतलब इसमें सारी चीज़ें ऐसी मिली हुई हैं जो कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेंगी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके बाल भी काले हो जाएंगे, जहाँ पर आपके बाल ख़त्म हो चुके हैं मतलब निकल नहीं रहेंगे, वहाँ पर आपके बाल शुरू हो जाएंगे निकलना, जड़ें आपकी मजबूत हो जाएंगी, आपके दो मुँह हैं बाल हैं वो भी सही हो जाएंगे, और आपके बाल लंबे भी हो जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है कि इसको आपको यूज़ करना है, जैसे आप अपनी अभी भी जो ऑयल यूज़ करते हैं उसी तरीके से आप इसको भी यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जैसे देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे बाल नहीं है आपके, तो आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे ताकि आपकी जड़ों तक ये बाल पहुँचे, ये सॉरी ऑयल पहुँचे, ताकि आपको इससे फ़ायदा हो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, ऐसे आप इसको यूज़ करेंगे ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके बाल नहीं है, वहाँ पे यूज़ करिए, तो आप इसको दिन में एक ही बार यूज़ करेंगे, आप जब भी यूज़ करें उसके बाद आप जैसे रात को यूज़ करिएगा तो सुबह बढ़िया शैम्पू करिए और कंडीशनर करिए, उसके बाद आप कुछ दिनों में ही आपको लगेगा कि आपके बाल बहुत अच्छे होने लगे हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। और हाँ, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपको ऐसी टिप भी देने वाला हूँ जो कि आपकी बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो मैं यही टिप दूंगा, अगर आपके बालों में खुजली होना शुरू हो गई, या आपको खांसी होना शुरू हो गई, या आपको डैंड्रफ होना शुरू हो गया, तो सबसे पहले आप उस डैंड्रफ को ख़त्म करिएगा, ताकि अगर आपने डैंड्रफ या खुजली ख़त्म नहीं करी तो आपके बाल धीमे धीमे ख़त्म हो जाएंगे। और हाँ, जब भी आपको जब बालों में खुजली हो तो आप अपने नाखूनों से ना खुजाइए, क्योंकि नाखूनों से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, इससे आपको नुकसान होगा। तो यही आपकी टिप है। और उसके साथ साथ आपको मैं बता दूँ, इसके बारे में तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया ट्रू लॉन्ग के बारे में, इसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से अगर आप इसको खरीद सकते कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं आपके बात और बता दूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इससे आपको सच में फ़ायदा होगा। और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करिए, उनको भी बताइए कि देसी इंडिया आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना होना तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए, धन्यवाद, और देसी इंडिया को सपोर्ट करिए।